कोई भोजन करने आया, शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जा रहे हो, पूजन की थाली लगाकर पूजन करने बैठ रहे हो, वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने जा रहे हो, हाथ में पानी का लोटा है, ट्रे में गिलास है, किसी अतिथि को, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को, अतिथि गण को, या भगवान को, या भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हो, या पूजन की थाली रखने जा रहे हो, उसमें जो लोटा रखा हुआ है या अलग से लोटा पकड़ा हुआ है, वो लोटा, वो गिलास, पानी का भरा हुआ पात्र जब नीचे गिरता है, अपन कहीं जा रहे हैं, किसी को जल देने जा रहे हैं, किसी को पानी पिलाने जा रहे हैं, किसी भगवान शंकर के शिवालय में जल चढ़ाने जा रहे हैं, और अगर वो जल का पात्र नीचे गिर जाता है तो प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है वो शुभ नहीं माना जाता, उसको शुभ नहीं कह सकते। प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है चंचुला देवी बिंदुक की धर्म पत्नी तुमरुका जी के यहां चली गई, तुमरुका जी से प्रार्थना करी, तुमरुका जी मेरे को मेरे पति के मोक्षार्थ आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो। तुमरुका जी ने कहा कथा कहने में मना नहीं है, पर तू बेधब्य है, अगर कोई जोड़े से बैठे, जोड़े से बैठकर आराधना करे, तू कथा सुन, मना नहीं है, तू कथा सुनेगी। बेधब्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो पति के लोक को जाती है, कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है उत्तम वर प्राप्त कर उत्तम कार्य की ओर जाती है, कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है उत्तम फल को पाता है, कोई सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो वो अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है, ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा। तो फिर मैं बेधब्य होकर इस कथा को श्रवण कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती, तू कर कथा श्रवण। चंचुला देवी ने हाथ में जल लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने जा रही है कि मेरे पति के लिए मैं शिव महापुराण की कथा करवा रही हूं, पर यजमान नहीं है, कोई जोड़ा मेरे पास में नहीं है। माता पार्वती जी ने कहा चंचुला देवी तुम शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करो, वो तुम्हारे यजमान बनेंगे, वो कथा के यजमान बनकर बैठेंगे, जोड़े से मैं बैठूंगी। अब चंचुला देवी पानी लेकर जाती है शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। जितनी बार चंचुला देवी जल लेकर शिव के चरणारविंद को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जाती है, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करने के लिए जाती है, जितनी बार जल का पात्र हाथ में लेती है उतनी बार पात्र गिर जाता है। अभी तक जितनी भी कथा हुई है, आप पुरानी कथा भी निकाल कर देखना, उस कथा में चंचुला देवी का जो आराधना का प्रसाद जल का जो महत्व है वो आज तक कथा में वर्णन नहीं आया, पर ये जो प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है बड़ौदा में, आपको पहले भी कहा कि ये कथा संपूर्ण भारतवासियों के लिए और देश विदेश में बैठे हुए भक्तों के लिए एक अलग गौरव की बात है कि ये कथा का रस तत्व अपने को मिल रहा है। चंचुला देवी के हाथ से कलश गिर गया, किसी दिन चंचुला देवी का जल अच्छे से चले जाता है, बाकी के दिन चंचुला देवी का हाथ का वो जल अपने आप गिर जाता है, वो कलश भूमि पर गिर जाता है। फिर चंचुला देवी अंदर जाती है, फिर जल लाती है, फिर शिव जी को समर्पित करती है, पर एक बार का लाया हुआ जल तो नीचे गिर गया। कितनी सुंदर सुंदर बात हमारे यहां शिव महापुराण वर्णन करती है, मांग में माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और वो सिंदूर नाक पर गिरता है, वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया, ये शास्त्र कहता। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो, अब देखिए जरा देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा,
घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी, मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे, वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा, ये निश्चितता। क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। बहुत ध्यान देना जरा, प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। आप सालासर बालाजी गए, आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आप पावागढ़ की माता पर गए, आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से, उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए, जम के बोलो जरा, 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है, भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नेपकिन कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं, पहुंचने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं, वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है। कितना सुंदर बात कहा गया है, नारी मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है।